हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। SBA की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि की चुकान क्षमता की शर्त लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। अनुबंधन कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशकों को स्थिति का जायजा लेने तथा 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर राम जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण और कई स्थानों पर बादल फटने इत्यादि के कारण 32 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। 6 लोग मिसिंग हैं, जो पानी में बह गए या कहीं दबे हैं, जिनके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो हैं वो 12 लोग इंजर्ड हैं। मंत्रिमंडल ने मृतक व्यक्तियों के दुखद और असामयिक मृत्यु के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और इनके परिवार हैं उनके लिए ईश्वर से कामना की है कि वो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और सरकार इस संबंध में जो भी सहायता मुआवजा जो है वो लोगों को दिया जाना है, उसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है। जो 6ठे वेतन आयोग के कारण लोगों के जो है वेतन भी बढ़ गए हैं, इस दृष्टि से जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है जो अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 7.5 लाख रुपए तक मिलता था, अब वो अधिकतम 15 लाख रुपए सीमा होगी। आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खैर प्रजाति के जो पेड़ हैं उनको हिमाचल प्रदेश भू परिरक्षण अधिनियम 1978, HP लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1978 के अंतर्गत जो 19 अन्य प्रजातियां हैं एग्जेम्प्टेड, उन्हीं की तरह जो है वो इनको भी 10 साल के जो फेलिंग प्रोग्राम है उससे जो है छूट प्रदान की जाए।
और इसके लिए मंत्रिमंडल ने जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार का पेड़ कटान से संबंधित मामला लंबित रहता है, उसमें जो है वो ये छूट पाने के लिए जो है वो निर्णय लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करके ये 10 साल के फैलिंग प्रोग्राम से एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये पेड़ जो है वो वैसे भी जो औषधीय पेड़ है उसकी श्रेणी में आता है, और इसके लिए 10 साल की फैलिंग प्रोग्राम किसानों के साथ जो है वो बहुत बड़ा उनको जो है वो नुकसान देने वाला है, उससे छुटकारा प्राप्त हो। और एनवन लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।